वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर्स एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स में फ्रेंड्स आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे डिस्कस करेंगे सम ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज सेक्शन क्लास टेंथ इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन 2023 के लिए इंग्लिश पेपर से प्रोज सेक्शन से कुछ गेस क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन होंगे उन सभी स्टूडेंट्स एवं परीक्षार्थियों के लिए जो 2023 में होने वाली बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सो so फ्रेंड्स आज सेक्शन से चैप्टर वन टू फोर एक से चार तक यानी चार चैप्टर्स से जो प्रोज सेक्शन का होगा क्लास टेंथ इंग्लिश पेपर का कुल मिलाकर के लगभग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा जो गेस क्वेश्चन होगा जिस पर उम्मीद है आपके परीक्षा में उनमें से प्रश्न निश्चित रूप से रहेंगे एंड हमने जो प्रश्न सिलेक्ट किया है हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है आपके ही टेक्स्ट बुक पेनोरमा पार्ट टू इस टेक्स्ट बुक के माध्यम से ही एम मोटिवेटर्स के थ्रू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो गेस्ट क्वेश्चन होंगे बिहार मेट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए आप सभी स्टूडेंट्स एंड परीक्षार्थियों के लिए आगे बढ़ने से एक बार पोलाइटली रिक्वेस्ट है आप सभी फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स से अगर आप हमारे चैनल एम मोटिवेटर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज आप हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें घर बैठे अपनी परीक्षा की तैयारी और करें स्ट्रॉन्श को दूर भगाएस मोटिवेटर्स के साथ आए इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आज के सेशन में लगभग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोज सेक्शन से चैप्टर्स वन टू फोर के लिए क्लास टेंथ इंग्लिश पेपर बिहार मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए तो चलते हैं फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो गेस्ट क्वेश्चन होंगे आप सभी के लिए सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोज सेक्शन के लिए इंग्लिश क्लास टेंथ पेपर के लिए हैज रिटेन द पेस फॉर लिविंग एक एक्सट्रैक्ट है एक छोटी कहानी है द पेस फॉर लिविंग किसने लिखा है एंड दिस इज द राइट आंसर आरसी आरसी के द्वारा लिखा गया है द पेस फॉर लिविंग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू आरसी हुआ वाज बोर्न इन विच कंट्री आरसी हुन का जन्म किस देश में हुआ था एंड द राइट आंसर इज इंग्लैंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड आरसी हुआ ए ब्रिटिश डैश आरसी हुए कौन थे नोवेलिस्ट आरसी ब्रिटिश नोवलिस्ट ब्रिटेन के नोवेलिस्ट थे उपन्यासकार थे आगे बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर प्रश्न संख्या फोर पर चलते हैं सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फोर आरसी हुसन हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट आरसी हुआ किसके बारे में जिक्र किए हैं किसके बारे में वर्णन किए हैं क्या बताए हैं एंड द राइट आंसर इज सेंसिटिव इशू ऑफ द कंटेम्पोरे सोसाइटी प्रश्न एक बार पुनः आरसी हुआ हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट सेंसिटिव इशू ऑफ द कंटेम्पोरेरी सोसाइटी आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्न संख्या पांच यानी क्वेश्चन नंबर फाइव पर चलते हैं सो फ्रेंड्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर फाइव इकोलॉजी बिट बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी एक एक्सट्रैक्ट मी एंड द इकोलॉजी बिट किसके द्वारा लिखा गया है किसने लिखा है एंड द राइट आंसर इज जॉन लेक्सो जॉन लेक्सो के द्वारा लिखा गया है मी एंड द इकोलॉजी बिट दिस इज द क्वेश्चन किए हैं एंड द राइट आंसर इज इकोलॉजी सिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जिक्र किए हैं, जॉन लेक्सो फ्रेंड्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेवन जॉन लेक्सो हैज सजेस्टेड फॉर डैश जॉन लेक्सो किस चीज के बारे में के बारे में में सलाह दिए हैं, किसके सुझाव दिए हैं वातावरण के के संरक्षण बारे में सलाह दिए दिए हैं, हैं. सुझाव जॉन लेक्सो हैज सजेस्टेड फॉर प्रिजर्विंग ऑफ दिस इज द क्वेश्चन नंबर एट जॉन लेक्सो इज प्रीचिंग अबाउट डैश जॉन लेक्सो किस के बारे में उपदेश दे रहे हैं किससे संबंधित उपदेश दे रहे हैं एंड द राइट आंसर इज इकोलॉजी प्रिजर्वेशन इकोलॉजी प्रिजर्वेशन के बारे में यानी पारिस्थितिक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के बारे में देखभाल के बारे में उपदेश दे रहे हैं आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स नौवां प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं गिल्लू गिल्लू जो कहानी है किसने लिखा है द राइट एंसर इज महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा के द्वारा गिल्लू एक बहुत ही सुंदर एंड एंटरटेनिंग स्टोरी गिल्लू महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन पर चलते हैं दसवां प्रश्न महादेवी वर्मा वॉज ए फेमस पोएट ऑफ विच लैंग्वेज किस भाषा की कवित्री थी महादेवी वर्मा एंड द राइट आंसर इज हिंदी क्वेश्चन नंबर इलेवन सो फ्रेंड्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर इलेवन कौन था गिल्लू किसका नाम था द राइट आंसर इज ए टीनी बेबी ऑफ ए स्क्वीर गिलहरी के एक छोटा बच्चा जिसका नाम था गिल्लू फ्रेंड्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बारह प्रश्न महादेवी वर्मा वाज ए लीडिंग पोएटेस ऑफ द डैश एंड छायावादी right स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी प्रश्न एक बार पुनः प्रश्न संख्या बारह महादेवी वर्मा वाज ए लीडिंग पोएटेस ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी हिंदी के छायावादी स्कूल के कविता सेक्शन की एक बहुत ही लीडिंग कवित्री थी महादेवी वर्मा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 13वां प्रश्न पर चलते हैं सो फ्रेंड्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13 हु वाज असॉल्टिंग बेबी स्क्विरल बेबी स्क्विरल जिसका नाम गिलू था उसको कौन क्षति पहुंचा रहे थे उसको कौन चोट पहुंचा रहे थे एंड द राइट आंसर इज टू crows दो कौवे दो काले कौवे स्क्विरेल के बेबी को चोट पहुंचा रहे थे अपना शिकार करने के फिराक में थे सो फ्रेंड्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर फोर्टीन चौदहवा प्रश्न हु हैज गिवेन द नेम गीलू फॉर द टीनी बेबी ऑफ एस्क्विरेल एस्क्विरेल का जो टीनी बेबी था छोटा बच्चा था उसका नाम गिलू किसने दिया कौन दिया एंड द राइट आंसर इज महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा के द्वारा स्क्विरल गिलहरी के छोटे बच्चे का नाम गिलू रखा गया सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15 सत्यजीत रे वाज बोर्न इन व्हिच कंट्री सत्यजीत रे का जन्म किस देश में हुआ था एंड द राइट आंसर इज इंडिया क्वेश्चन नंबर 16 16वा प्रश्न सत्यजीत रे वाज ए वेल नोन डैश सत्यजीत रे एक नामी गिरामी थे क्या थे एंड राइट आंसर इज फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया भारत के एक नामी गिरामी फिल्म डायरेक्टर थे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या सत्रह सेवेंटीन क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन सत्रहवा प्रश्न हु हैज़ हुटेन व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म वाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म यह एक्सट्रैक्ट को किसने लिखा है एंड right सत्यजीत, रे. सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया है प्रश्न. एक्सट्रैक्ट वाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म ऑथर रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म जो एक्सट्रैक्ट है जो कहानी जो चैप्टर लिखी गई है सत्यजीत रे के द्वारा उसमें लेखक किसका जिक्र किए हैं किसके बारे में चर्चा किए हैं एंड ऑफ इंडियन फिल्म भारतीय फिल्म के और गुण को बताए हैं जिक्र किए हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन उन्नीसवा प्रश्न पाथेर पंचाली दिस फिल्म वाज डायरेक्टेड बाय डैश पाथेर पंचाली फिल्म मूवी को किसने डायरेक्ट किया था एंड द राइट आंसर इज सत्यजीत रे सत्यजीत रे के द्वारा पाथेर पंचाली मूवी को डायरेक्ट किया गया था तो फ्रेंड्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बीसवा प्रश्न एंड आज के सेशन का लास्ट एंड फाइनल अंतिमवा प्रश्न सो फ्रेंड्स बीसवा प्रश्न एंड फाइनल क्वेश्चन अपराज

एंड आज मैंने 20 बीस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से आप सभी के लिए प्रोवाइड कराए हैं उम्मीद है प्रोज सेक्शन में चैप्टर नंबर एक से चार के लिए आज के बीस क्वेश्चंस बहुत ही यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट होंगे बिहार मेट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इंग्लिश पेपर के लिए आप सभी स्टूडेंट्स एंड परीक्षार्थियों के लिए उम्मीद है कि आज का वीडियो आज का सेशन आप सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही सुटेबल होगा आप निश्चित रूप से हमारा यह वीडियो देखें घर बैठे प्रैक्टिस करें क्वेश्चन बनाएं एंड उम्मीद है कि एम मोटिवेटर्स के माध्यम से आपकी परीक्षा एकदम आसान होगी इजी होगी मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में फ्रॉम द चैप्टर्स फाइव टू एट नेक्स्ट पांच से लेकर के और आठ तक पांच छः सात एंड आठ इन चारों प्रोज चैप्टर्स का हम कल के क्लास में नेक्स्ट क्लास में फिर बी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे आप सभी मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इसलिए आप देखते रहिए हमारा चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स एक बार पुनः आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सभी लोगों से गुजारिश है हमारे चैनल एम पी मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, घर बैठे अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में टिल देन थैंक यू थैंक यू वेरी मच